आप देख रहे हैं फॉरेन न्यूज चैनल, आपके साथ मैं हूं अंशु। धार जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत गंदवानी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। सामाजिक कार्यकर्ताओं पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि गंदवानी नगर में इतनी दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक सीमेंट सरिया गिट्टी अन्य दुकानें होने के बावजूद भी गंदवानी ग्राम पंचायत के सचिव पूर्व में जहां पर थे सिंघाना में वहीं से सामान खरीदते हैं और टैक्स गंदवानी के लोग भरते हैं। और अनिल शर्मा ने कहा कि मैं सारे कागज प्रूफ के साथ पेश करूंगा और सही पैसा सरकार का सही जगह लगना चाहिए। यदि इसमें किसी प्रकार की जांच में कोताही की गई तो मैं अनशन पर बैठूंगा और उसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो मैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूं। और वहीं ग्राम पंचायत गंदवानी के सचिव प्रवीण दुबे ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं। हमारे संवाददाता ने ग्राम पंचायत के सचिव से पूछा कि आपने इलेक्ट्रॉनिक का दिन जो व्हाट्सएप किया है उस बिल पर जो नंबर लिखा हुआ है वो इलेक्ट्रॉनिक दुकान का नहीं, वो कपड़े की दुकान का बिल है। तो ग्राम पंचायत सचिव का कहना है कि हो सकता है किसी कारण से ऐसा होगा तो मैं दोबारा बिल देखता हूँ। गंदवानी धार से रहमान खान की रिपोर्ट। बिल है मेरे पास पूरे 6 लाख रुपए का। मैं आप साथियों से पूछना चाहता हूँ, आपने भी कई जगह ट्यूबवेल खुदवाए होंगे, 6 लाख रुपए में इतना कितना गहरा ट्यूबवेल खुदाया उन्होंने, वहां का बिल निकाला 6 लाख रुपए का। मेरे पास 2 JCB के बिल है, 110 घंटे चली हुई, 220 घंटे में मैंने जब एक JCB वाले से पूछा कि तू कितनी लंबी पाइपलाइन कर सकता, तो उसने बताया कि भैया मैं 220 घंटे में यहां से मनाउर तक लाइन खोद सकता हूं। 220 घंटे में 18 किलोमीटर, 220 घंटे में हमारे भाइयों ने भ्रष्टाचार करके 10 किलोमीटर की भी लाइन नहीं खोदी है, लेकिन हजारों रुपए लाखों रुपए के बिल आप देखो मैंने लगाए हैं उसमें है। आपका नाम? मैं प्रवीण कुमार दुबे, सचिव ग्राम पंचायत गंदवानी। आपके खिलाफ एक मामला आया है, अनिल कुमार शर्मा जी ने आरोप लगाया है कि आपने कोई फर्जी बिल वगैरह लगाकर कुछ भ्रष्टाचारी की है पंचायत में, तो उसमें क्या कहना चाहिए? ये जो मामला है वो पंचायत दर्पण पे पोर्टल पे सभी की वाउचर और ये सभी प्रदर्शित होते हैं, और अगर वो भ्रष्टाचारी रहती है तो स्वाभाविक है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि इस पार्ट पे सभी तथ्य मौजूद है और कोई भी निर्माण कार्य करेंगे तो स्वाभाविक है एक ही पार्टी से तो कोई मटेरियल पूरा उठा नहीं सकता इंसान, कोई भी कर्मचारी, सभी अलग अलग पार्टियों से बिल लेके उनको सामग्री क्रय की है और जो पंचायत जनप्रतिनिधियों के द्वारा जैसा मार्गदर्शन दिया गया और उनके द्वारा जो काम किया गया और पंचायत को मुझे जो बिल पुटअप किए गए वही मैंने उनको भुगतान किया। आरोप एक ये भी है कि आपने यहाँ कुछ 5 भूमिगत टंकियाँ आई थी, उसके अवैध में आपने वहाँ पे सड़कें निर्माण करी, तो ये सही है क्या? ये तथ्य सरासर गलत है, क्योंकि पंचायत दर्पण पोर्टल पे ऐसे बहुत सारे ऑप्शन थे जो कि कन्फ्यूजन में आदमी को पढ़ने में लगते थे। उसमें भूमिगत पेयजल जो टंकी भूमिगत टंकी के नाम से थी, उसमें पंचायत में जो पाइपलाइन जो विगत विधानसभा चुनाव के समय जो रोड ठेकेदार के द्वारा रोड निकालने के समय पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त करके उखाड़ के फेंक दी थी, उस समय हमने तत्कालीन पेयजल की व्यवस्था के लिए नई सेंक्शन करवा के पाइपलाइन को डाला था पंचायत ने, और उसमें करीब 4 से 5 पाइपलाइन अलग अलग टुकड़ों में स्वीकृत करी है, क्योंकि गंदवानी एरिया की जो मेन रोड है वो करीब 1 किलोमीटर के समथिंग है, और टोटली 5 ही तथ्य जो है भूमिगत टंकी के नाम से है उसमें पाइपलाइन पेयजल पाइपलाइन का विस्तार किया गया है। और उनका आरोप है कि आपने जो बिल दिए हैं वो बिल इलेक्ट्रॉनिक की बजाय कपड़ा दुकान का निकल रहा है, इसमें क्या कहना चाहोगे इस विषय में? बिल में कोई कपड़ा दुकान वाला के बिल में अगर 3 से 3 नंबर डला हुआ है तो वो सीमेंट सरिया तो बेचेगा नहीं। ये हो सकता है कि सामने वाले ने जो तथ्य दिया है या मोबाइल नंबर जो बिल में अंकित है वो गलत हो, क्योंकि जो अंकित है वो तो बिल के ऊपर ही दर्शाता है, कोई अलग से तो बिल के ऊपर अपने फोन नंबर लिख के नहीं सेट करेगा। अपने आसपास की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल एम फॉरेन न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल का आइकन दबाएं जिससे आपको सभी न्यूज टाइम से मिलती रहे। आप अपने सुझाव में कमेंट कर जरूर बताएं।